कि भाई पूरे दिल्ली एनसीआर में ना ये पहले अलॉय तुम्हारी गाड़ी में डल रहे हैं, तो ये अलॉय कहीं दिख जाएंगे ना तो ये फ्री अलॉय तुम्हारे। अच्छा, आप सबसे पहले आपकी गाड़ी में डलवाए। और सुनाओ कैसे हो? तो भाई एक तो भाई का ब्लॉग चैनल है विशाल 0051 करके, गाड़ी का भी नंबर आप देख लो 0051 लिया हुआ भाई ने, उसी से चैनल बनाया हुआ। आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन भी और लिंक में, तो आप वो चैनल वहाँ पर देख लेना। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और तो भाई एक भाई है हमारे राहुल भाटी, उनका चैनल है ऑटो एक्सपो, तो आज वो ऑनरशिप रिव्यू लेंगे हमारी स्कॉर्पियो का, तो मैं वो सारा दिखाता हूँ वहाँ पे डिटेल में, जो भी उनसे बातचीत हुई है सब कुछ, ठीक है, तो बने रहें व्लॉग में। गाइस वेलकम टू ऑटो एक्सपो, मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आज आपके सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जिसके इंट्रोडक्शन की तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, और बदमाशों की गाड़ी, दबंगों की गाड़ी कह लो, और जिसे होबाजी करनी है भाई उसकी गाड़ी, पूरे मतलब NCR में तो इस गाड़ी का अलग ही क्रेज है इस टाइम, NCR और UP में और हरियाणा में, पंजाब में है थोड़ा बहुत है इतना नहीं है, बट हमारे UP और हरियाणा में और NCR में तो कुछ ज़्यादा ही इसका क्रेज है। तो हमारे भाई हैं विशाल कपासिया भाई, भाई राम राम। राम राम भाई, और सुनाओ कैसे हो? बढ़िया आप सुनाओ। तो भाई एक तो भाई का व्लॉग चैनल है विशाल 0051 करके, गाड़ी का भी नंबर आप देख लो 0051 लिया हुआ भाई ने, उसी से चैनल बनाया हुआ है। आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन भी और लिंक में, तो आप वो चैनल वहाँ पर देख लेना। तो भाई आज जो हम एक्सपीरियंस लेंगे कि स्कॉर्पियो में जब आप 22 इंच के अलॉय व्हील डलवाओगे तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, पहले तो देखो भाई गाड़ी चलाएंगे फिर गाड़ी चलाऊंगा मैं, बॉडी रोल, स्टेबिलिटी, सस्पेंशन, हर चीज़ हम देखेंगे आज इसकी। और भाई आप इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या करवा रखी है एक बार हमें जल्दी जल्दी बता दो। एक तो भाई अलॉय डलवाए हैं 22 इंच के अलॉय हैं। अच्छा, क्या प्राइस पड़ी थी भाई इनकी? ये भाई टायर और अलॉय दोनों 1.5 लाख के पड़े। अच्छा, 1.5 लाख के? हाँ, 1.5 लाख। तो भाई एक 45-46 के करीब पड़े थे। 45-46 डलवाए कब थे भाई अलॉय? ये भाई जिस दिन ली ना सीधा करोल बाग पहुंच गए। अच्छा, पहले दिन ही करोल बाग? पहले ही, मतलब गाड़ी भी जब ही पुजी घर आके, साथ ही 11:30-12 बजे आई रात को, जब ही गाड़ी पुजी फिर। ओके, तो भाई फिर एक अलॉय व्हील डलवा दिए, तो और भी अलॉय व्हील देखे भाई? और अलॉय तो बहुत देखे, वैसे मेरा मन मतलब 20 इंच के डलवाने का। हाँ। फिर वहां पे क्या आया कि यार पसंद ही आ गए, एक हाँ। जगह एक वाले में लगा दिए 20 इंच के, दूसरे में लगा दिए 22। हाँ। अब यार तुम्हें पता होगा कि 22 ही अच्छे लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, व्हील आर्चेस बहुत बड़े हैं इसके। हाँ, फिर मतलब हम एजेंसी से निकले सीधी। हाँ। यू ली मैंने S9। हाँ। तो S11 बनवानी की, मन की यार चल ये डलवाई, तो S11 के फिर मैंने इसमें ये ग्रिल डलवाई है, ये है, और S11 को जो बैज रहे ना वो। हाँ। वो लगवाया। तो भाई ग्रिल कितने रुपए की डलवा दिया आपने? ये टोटल ये और ये 10,000 में डले थे। अच्छा, पूरा कंपनी से ही, महिंद्रा? हाँ, से ही? हाँ, महिंद्रा की। अच्छा, जब गाड़ी ली तो पहले ही डलवा के चेंज करवा दिया। हाँ, तो S9 आपने भाई किस ले ली, मतलब के अलॉय व्हील डलवाने? पहले मेरे पास यार टॉप मॉडल ही S10 जो पुरानी वाली। हाँ। फिर मैंने की यार जब अलॉय डलवाने तो क्यों टॉप मॉडल ले, अपने शौक के डलवाएंगे तो अलग S9 ले ले, फर्क ही क्या है कैमरा और अलॉय का। अच्छा, तो यार तीनों का S9 उठा लेंगे। S9 ही ले। तो भाई चलो अब हम गाड़ी में चलते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है हमारी गाड़ी में इन अलॉय व्हील्स का। बाकी अलॉय व्हील्स का साइज एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, अलॉय व्हील आप देख लो, X2 के अलॉय व्हील है, और भाई इसमें टेम्पेस्टा क्वेट्रो करके कोई कंपनी है उसके अलॉय व्हील है, साइज है आपका 295/40R22, तो मतलब 22 इंच के अलॉय व्हील है, विड्थ जो है टायर की वो 295 है। पूरे दिल्ली NCR में ना ये पहले अलॉय तुम्हारी गाड़ी में डल रहे हैं इसका, अलॉय व्हील्स का। भाई देख कुल मिला के मैं तो वैसे खुश हूँ, मतलब क्योंकि यार मेरा कोई ऐसा डेली का ऐसा कोई सीन है ना कि भाई डेली गाड़ी चलानी है। हाँ। एक मेन चीज है अगर किसी को अलॉय डलवाने है ना। हाँ। तो जब डलवाओ अगर किसी के पास दूसरी गाड़ी है, ये क्योंकि वाले ये है शौकिया गाड़ी है, मतलब अलॉय अगर गिरवा रहे हो आप शौक के लिए गिरवा रहे हो, ये 22 इंच में। तो भाई आपके पास एक और गाड़ी है क्रेटा। हाँ। तो फिर क्रेटा और इसमें इसे कब चलाते हैं, क्रेटा कब चलाते हैं? भाई मेन चीज मैं तो इसे ही चलाऊं। हाँ। पर मेरा वो एक मतलब ऐसा कुछ काम वाम तो है ना यार तुम्हें पता, और लोकल का। हाँ, लोकल में गाड़ी चला, बाहर भी मैं लेके ना जाऊं क्योंकि मैंने शीशे भी काले करवा रखे हैं इसके। अच्छा। हाँ। तो भाई मतलब आदमी जब ही लगवाए जब उसके पास दो गाड़ियां हैं और एक मतलब लोकल चलनी है। हाँ, अगर डेली वेज में अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो परेशान हो जाएगा। अच्छा, तो भाई स्टेबिलिटी बताओ सबसे पहले, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है 22 इंच पे? भाई देखो वही फ्लैट, अगर फ्लैट रोड पे तुम चला रहे हो ना। हाँ। तो कोई दिक्कत ना, कैसी भी चला लो गाड़ी। हाँ, हाँ एक है कि अगर तुम 80-90 के पार जाओगे तो देखिए है जो स्टीयरिंग है ना ऐसा ही लगेगा।
अच्छा हाँ। तो स्टीयरिंग व्हील हिलेगा 80-90 से पार जाता, 80 से पार। तो पहले भाई जब आपने जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी वो हिलती थी आपकी? उसमें 80-90 तक कोई दिक्कत नहीं, हिले ही, पर वो भी कोई 150 के करीब जा गए, 150 के आस पास। पहले भी स्कॉर्पियो ही ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी वाले अलॉय उसमें। अच्छा, बॉडी रोल भाई इसमें कम है, मतलब पहली वाली से कम है, पहली वाली से कम है। भाई में पे कैसा एक्सपीरियंस है भाई? है पांच आते हैं, चार पांचवा तो वही जो कंपनी वाला वही रखा हुआ, तो वो तो बहुत छोटा पड़ जाता होगा, बहुत छोटा भाई, 17 इंच का, तो 5 इंच छोटा होगा, टेढ़ी चलती होगी गाड़ी उससे तो बिल्कुल, अगर हो जाती होगी। एक मेन जो मतलब डिसएडवांटेज जो अलॉय का है ना भाई, वो अगर कहीं पंचर होगी ना बाय चांस, पंचर होगी या टायर फट जाए कुछ हो जाए, तो भाई तुम गाड़ी ना चला सको, क्योंकि यार सीधी सी बात है 5 इंच का अंतर है, वो 17 इंच है और ये 22 इंच है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ तुम्हें ऐसा सिस्टम देखना पड़ेगा कि टायर यही रिपेयर करवाना पड़ेगा तभी, या नए वाले वरना तो आप करवाना सको। हाँ, और फिर सेट में मिलते होंगे चार चार के में, वो तो पूरा ही चेंज हो मैं फिर अलॉय भी, या फिर कोई पुराना देखो ना, अलॉय तो खैर मिल जाएगा, मेन चीज है टायर। अच्छा, टायर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो टायर देखना पड़ेगा तुम्हें तभी। ओके, तो भाई गाड़ी चला कितनी थी वैसे अब तक? भाई देख लो ये इतनी चली 19,000। तो भाई 19,000 किलोमीटर के बाद हम ये कमी चला यार, लोकल में ही चला है ज्यादा, 19,000 किलोमीटर के बाद हम रिस्पांस ले रहे भाई। सस्पेंशन में कोई अभी तक अभी तो अभी तो कोई प्रॉब्लम ना, और आप चला के देखिए भाई। हाँ, तो भाई तो एक बार मैं चला के देखता हूँ गाड़ी कि कैसा रिस्पांस आता है 22 इंच अलॉय व्हील्स पे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा एक तो एसयूवी कम चलाता हूँ तो मुझे ज्यादा फील होगा कि, क्योंकि मेरे पास भी पोलर उसमें स्टेबिलिटी अच्छी है, मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी होती है, देखो अब मैंने पकड़ रखा, अगर कोई आगे गड्ढा आएगा ना, आप देखना गाड़ी स्टीयरिंग व्हील इधर उधर होता रहेगा, चाहे आप कितना ही रोक लेना स्टीयरिंग व्हील को, अगर आपने लाइट हाथों से पकड़ रखा है एक तो भाई होगी बात। और दूसरा जैसे कपासिया भाई बता रहे हैं कि इसमें जैसे अगर कोई गड्ढा आ जाता है ना, तो टायर अड़ जाते हैं हमारे उसके साथ फेंडर लाइनिंग के साथ। अब ये देखिए स्टीयरिंग व्हील में कुछ नहीं कर रहा, देखो कितनी मूवमेंट है, आप किसी भी गाड़ी में ना ये मूवमेंट क्या चीज़? हाँ, बटन दबाओ। तो किसी भी गाड़ी का आप स्टीयरिंग व्हील देख लेना, अगर वो उसमें अलॉय व्हील नहीं डले हो तो उसका स्टीयरिंग सीधा ही रहेगा, चाहे गड्ढे में कितना चल जाएगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट आएगी, बहुत लिटिल सी, बट अगर अलॉय व्हील डल जाते हैं ना तो भाई मूवमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है। देखो स्टीयरिंग व्हील में देखो ऐसा लग रहा है जैसे हम एडास पे गाड़ी चला रहे हो, 700 की एडास आती है ना, वो स्टीयरिंग व्हील इधर उधर तो खुद मुड़ता है, ऐसा लग रहा है हम खुद स्टीयरिंग व्हील इसका मुड़ रहा है। एक तो भाई ये चीज होगी, दूसरा भाई इसकी ब्रेकिंग और टेस्ट करते हैं एक बार कि ब्रेकिंग में कैसा रिस्पॉन्स आता है इसका। एक यार एक चीज तो और परेशान हूँ भाई मैं। हाँ। अगर तुम अलॉय डलवा रहे हो ना, हाँ, तो गाड़ी की बहुत केयर करनी पड़े, बहुत गंदी हो, ऊपर से ब्लैक, और ब्लैक में तो बहुत बुरा हाल है जा, ऊपर से ब्लैक और ऊपर इतनी गंदी हो जाए, साइड में छींटे लगे हैं इसमें, क्योंकि टायर बाहर तक है। हाँ, टायर बाहर है, बहुत बुरा हाल है। एक बार ब्रेकिंग और टेस्ट करते हैं भाई कैसा रिस्पांस आता है, ज्यादा स्पीड पे नहीं, 40-50 ब्रेक भी अच्छी हो रही है, 50 की स्पीड पे अब हम, और ब्रेक भाई देखो बहुत फर्क है ब्रेकिंग में, मैंने ज्यादा तरीके से तो नहीं पुश करी, बट नॉर्मल स्कॉर्पियो कम से कम भी 5-7, मतलब अगर वो 100% ले रही है ना ये वाली, तो 70% में रुक जाएगी अगर नॉर्मल बिना अलॉय इसके होगी, तो ब्रेकिंग में ये चीज फर्क है। सस्पेंशन में भाई बॉडी रोल बढ़ जाता है अलॉय व्हील्स के साथ, इसका भी बढ़ा हुआ है, अब जैसे मैं इस कट पे हूँ, अगर मैं मोड़ने की कोशिश करूँगा 30-40 की स्पीड में, तो भाई मुझे बॉडी रोल देखो फील होगा ही होगा हर हालत में, क्योंकि स्कॉर्पियो में थोड़ा जो बॉडी रोल है वो वैसे भी फील होता है, इसमें भी मुझे फील हो रहा है अच्छे तरीके से कि हाँ बॉडी रोल है। बाकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो भाई ये गाड़ी ना अभी सिर्फ इस कंडीशन में 22 इंच अलॉय व्हील्स से जस्ट थोड़ा रोड खराब है, आप इसे 50-60 से ऊपर तो नहीं चला सकते किसी भी हालत में, गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है अगर आप जैसे ये गड्ढा है देखिए, गाड़ी
अनस्टेबल बहुत ज्यादा हो जाती है, गड्ढा आ रहा है अनस्टेबिलिटी का, तो देखो दिक्कत है। और थोड़ा जो इसके टायर भी मैंने देखा कि लो प्रोफाइल वाले टायर हैं इसके, तो उस चीज का भी ना फर्क पड़ता है, क्योंकि टायर ज्यादा दबता नहीं है। अगर जैसे हाई जितने लो प्रोफाइल होते हैं ना टायर, हाँ, तो उतनी धचकी ज्यादा लगती है। हाँ, ट्रांसफर जो होता है, जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, वो उतना ही ज्यादा होता है हमारे पास बॉडी में जो होता है, तो उस चीज का भी फर्क पड़ रहा है। स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गया, ये सबसे बड़ा जो मुझे इशू लग रहा है ना, वो तो स्टीयरिंग का ही लग रहा है कि स्टीयरिंग पे ना, मतलब अलॉय व्हील पे स्टीयरिंग व्हील इधर उधर खुद हो रहा है। ये चीज मुझे सबसे बड़ा फर्क लगा भाई। ट्रांसमिशन इसमें तो कोई फर्क आ ही नहीं सकता, चाहे आप कोई भी अलॉय व्हील। बाकी भाई सस्पेंशन में से कोई आवाज वगैरह तो नहीं आती इसमें से? अभी तो कोई, अभी 20,000 किलोमीटर में मतलब कोई आवाज नहीं है भाई इसमें गाड़ी में से। एक बार जो भाई आप वो बता रहे थे बात के 80 के ऊपर जाते स्टीयरिंग इधर उधर हिलने लगता है, वो अटैच कर लेते हैं 80 के ऊपर तो भाई। एक तो रोड भी चलो, रोड भी कोई आगे वाले हिलने लगा भी हिलने लगा चलाई है, पर उनमें इतनी दिक्कत ना है, इसमें दिक्कत है। अलॉय थोड़े बड़े होंगे ना, हाँ 20 इंच के होते हैं तो कोई इतनी कोई प्रॉब्लम ना होती। हाँ अब टेस्ट कर लेते हैं लोग 80 के बाद आगे क्या रिस्पॉन्स आता है। डर लगता है भाई इसकी ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक बंदा है ना भाई चला ना सके गाड़ी, ब्रेक कम काम करती है इसकी अलॉय व्हील पे। अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो ऐसे पोलो की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और भी गाड़ी चलाई है क्रेटा व्रेटा उनकी ठीक है ब्रेकिंग। अब देखो एक बार क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ सही कह रहे हो भाई, पूरा मतलब स्टीयरिंग व्हील हिलने लगता पूरा ही आसानी से। यही रीजन है कि मैं आज तक ना 1.5 साल से इस गाड़ी की मतलब जैसे घूमने भी जाना कहीं मिले। अच्छा क्रेटा से? क्रेटा या फॉर्च्यूनर है उसी ध्यान से वो कहीं थी। फॉर्च्यूनर भी भाई आपके पास? फॉर्च्यूनर सब है ना, वही ले जा या दे दूं ना। भाई माइलेज वगैरह क्या दे रही है ये आइटम? भाई लोकल में 7 या 8 की एवरेज है बस, कभी कभार 9-10 नहीं तो हाईवे पे तो है 10-11 की, ना तो 7-8 की एवरेज। अच्छा तो भाई हमको फेंडर कटिंग वगैरह भी हुई है? जिस दिन मतलब अलॉय डलवाए ना, हाँ, तो उसी दिन यहाँ से ये कटवाई, देखो आप दिख भी जाएगी, देखिए ये चीज कट रही है। अच्छा ये कट रही है, बल्कि मुझे तो बाद में पता पड़ी जब ये डल गए ना अलॉय, हाँ यार ये कुछ कटिंग सी लग रही है, जब कह रहे भाई हमने काट दिए। अच्छा क्योंकि ये हाँ जैसे काट रहे ना, हाँ, टच हो रहे। और एक चीज और करवाई मैंने, देख इधर लाओ भाई, हाँ, ये ना, हाँ, जो ये चीज है, हाँ, ये मैंने गरम करवा के पिघलवा के ना, हाँ, थोड़ा अंदर करवाई, क्योंकि जब काट है ना टायर है, हाँ, तो टच हो गए। अच्छा ये टच हो जाए? हाँ ये टच हो गए। तो भाई ये काम जरूर करवा लेना, और मैं आपको एक बार टायर की प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ, 295/40ZR22। तो टायर जो थोड़े लो प्रोफाइल हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी अलॉय व्हील्स आपने देखे होंगे मार्केट में, थोड़ा लो प्रोफाइल डलवा रखे हैं भाई ने, तो माइलेज होगी ये सब चीज़ें होगी। तो भाइयों अलॉय से क्या दिक्कत होती है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो आज मैंने आप डिटेल में बताई सब कुछ। और व्लॉग को करते हैं भाई एंड, और
अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? राम राम जी।